Hello dear student, you are once again most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of class 9 and 10. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT solution number system exercise 1.4. तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि visualize 3.765 on the number line using successive magnification. मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज विजिट आवर लेक्चर 6, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे लेक्चर 6, वहां जाके देखे, आपको पूरा सॉल्यूशन वहां पे समझाया हूं, अच्छे समझ आएगा। तो देखो हमको कह रहा है कि विजुलाइज करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। तो हम लोग पहले लिख लेंगे स्टेप क्या होना चाहिए, लिखेंगे क्लियरली 3.765 लाइज बिटवीन 3 and 4। साफ है कि ये जो है मेरा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन लिखेंगे फिर सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 3, 4 ऑफ अ नंबर लाइन बाय अ लेंस। ये बात लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3.765 है, 3 और 4 तो है नहीं, इसके बीच में आता है तो कहीं आता होगा, है ना। तो इसको इसलिए हमको जूम करना होगा, 3, 4 के बीच का जो छोटा सा दूरी होता है उसको लेंस लगा के जूम करना होगा। लिख देंगे, लिखेंगे डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू 10 इक्वल डिविजन इज दैट 3.1, 3.2, 3.3 डॉट डॉट डॉट, सब लिखना जरूरी नहीं है, डॉट 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 लिख दोगे समझ जाएगा, जो कि मैं फिगर 2 में दिखाया हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका फिगर 2, पहले फिगर 1 देखो क्या। पहले तो आपको करना क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, कर लोगे, वेरी गुड। अब क्या करोगे, -5 से 5 ही तक मैं इसलिए लिया क्योंकि मुझे 3, 4 के बीच में ही आएगा मेरा नंबर कहीं ना कहीं, क्योंकि 3.765 है तो इसलिए मैं ले लिया। ओके, आप कुछ भी ले लो, 3, 4 बस उसमें आना चाहिए, समझ आई बात। अब क्या करेंगे, हम इस पे एक लेंस लगाएंगे, सर्कल दिख रहा है ना, आप छोटा सा सर्कल बना लो, उसी को समझो लेंस है, ठीक। तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा होके कुछ ऐसा बन जाएगा 3 और 4। जैसे कि मैं अभी तुरंत लिखा कि इसको 10 डिवीजन में बांटना है, अभी तुरंत लिखा स्टेप 1 में। मैं एक बार फिर से, आप यहाँ पे क्या करना था, 10 डिवीजन बांटना था, 3.1, 3.2, 3.3, वही मैं किया, 3.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये 10 डिवीजन हो गया। और यहाँ 4 था तो यहाँ 4 ही लिखेंगे, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 ही लिखेंगे, बीच में 10 भाग कर देंगे। अब देखो अब क्या है कि 3 पहले मैं इसे समझा दे रहा हूँ डायग्राम को, तब मैं स्टेप अच्छे से बता दूंगा, समझ गए बात। देखो 3.765 है तो 3.7 है, उसके बाद 6 है, मतलब 3.7 से बड़ा, लेकिन 8 तो है नहीं, तो इसका मतलब कि ये 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक लेंस लगाएंगे और इसको जूम कर देंगे और फिर उसको 10 भाग में बांट देंगे। मैं स्टेप में लिखा हूँ, दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले आप समझ लीजिए डायग्राम से, ध्यान दो। तो 3.7 है, 3.8 है, तो हमने फिर इसको 10 भाग में बांट दिया, तो जो मेरा 3.7 था उसको मैं यहाँ 3.7 लिख दिया, और यहाँ जो 3.8 था यहाँ 3.8 लिख दिया, और यहाँ पे कैसे बांटा तो 3.71, 3.72, 3.73, 75, 76, 77, 78, 79, और फिर जो मेरा यहाँ 3.8 था वही मैं लिख दिया। अब ध्यान दो, मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, 3.765। देखो 3.76 तक तो आ गए, है ना, उसके बाद 5 और चलना है, लेकिन 3.77 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो नंबर है वो इसी लाइन पे इसी बीच में कहीं ना कहीं है। तो मुझे फिर से एक बार लेंस लगाना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से एक बार लेंस लगा दिया और फिर इसको जूम करूँगा तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे एक लंबर लाइन बन जाएगा और इसको फिर से आपको 10 पार्ट में बांटना है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे जो है मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ओके दिख रहा होगा। देखो इसको फिर से 3.7 लिख लेना, यहाँ पे 3.76 है, समझ आ रहा है, तो यहाँ भी मैं 3.76 लिख लिया और 10 भाग बांटना है, तो 3.761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 और ऐसे करके लिख लोगे। और यहाँ पे जो 3.77 है उसको आप यहाँ 3.77 ही लिख लोगे। तो यहाँ पे एक ही पैनल पे बनाना डिफिकल्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दिया। तो ध्यान दो, अब समझो बात को कि मुझे 3.765 रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे लिख, देखो 3.765 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे P लिख दूंगा। ओके, ये था आपका डायग्राम। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बना दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम में डायग्राम भी बना के लाओगे ना तो हाफ मार्क्स मिलेगा। स्टेप लिखना बहुत ही जरूरी है, तो आप स्टेप कैसे लिखोगे चलिए देखते। ये रहा आपका कंप्लीट स्टेप, पहला तो आपको पता है मैं बता दिया, दूसरा क्या करोगे, लिख दोगे क्लियरली 3.765 लाइज सब कुछ सब चीज़ वही है, बस नंबर बदलना है। लाइज बिटवीन ऊपर भी है, लाइज बिटवीन नीचे भी है। मैं एक ऐसा स्टेप बनाया हूँ जिसको आपको याद नहीं करना है, बस समझ जाना है और आप खुद लिख लोगे। तो देखो लिखेंगे 3.765 लाइज बिटवीन, अभी लिखेंगे 3.7, उस समय 3.4 लिखे थे, अब हम लोग एक एक बढ़ाते जाएंगे, अब एक ज़्यादा चलेंगे 3.7 चलेंगे। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे बिटवीन 3.7 एंड 3.8, फिर लिखेंगे सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 3.7 एंड 3.8 ऑफ ए नंबर लाइन बाय अ लेंस। फिर लिखेंगे क्या, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम 10 पार्ट में, और जो 10 पार्ट है वो ये रहा, डॉट 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 कर देना, ठीक। और जो फिगर में दिखाया है उस फिगर भी लिख देना है यहाँ आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए। फिर स्टेप 3 लिख लोगे। इस समय मैं 3.7 तक गया था, अब हम लोग 3.76 तक जाएंगे। ओके, क्लियरली 3.765 लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77। फिर जूम करके लिख दोगे यही बात को लेंस से, और फिर डिवाइड कर दो 10 इक्वल पार्ट में, 761 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर यहाँ लिख देना है आपको कैसे, फिर देंगे हेंस द पॉइंट पी ऑफ फिगर 4 रिप्रेजेंट 3.765, और ये पॉइंट पी आपका यहाँ पे है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा है, विजुअलाइज 4.26 को पर बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। बस छोटा सा काम शुरू में करना है, बाकी सभी स्टेप वही है। वो काम क्या है चलिए दिखाता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे जो है आपका रिपीटिंग दे दिया है, 26 रिपीट करा है, तो हम लोग पहले मान लेंगे लेट पी इक्वल टू 4.26 ऊपर बार। क्लियरली यहाँ बोल दिया कि 4 ही डेसिमल तक आप लोग जाइएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 डेसिमल प्लेस। इसका क्या होगा, जब मैं बार हटा दूंगा तो इसका 4 डेसिमल प्लेस होगा 4.2626, यहाँ 4 डेसिमल प्लेस हो गया, ठीक ना, यहीं तक लिख लेंगे। देखो क्वेश्चन को समझना ये है, 4.2626 आपको दिखाना है एक नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे, सॉरी नंबर लाइन नहीं रियल लाइन पे, बात एक ही है नंबर लाइन रियल लाइन, तो आपको यही दिखाना है। लेकिन आप जब भी लिखिएगा तो ये 4.26 को ऊपर बार करके ही क्वेश्चन में लिखिएगा, ठीक ना, मतलब जब भी सॉल्यूशन करिएगा तो यही लिखिएगा। ओके, ये समझने के लिए है सिर्फ। तो लिखेंगे क्लियरली 4.26 के ऊपर बार लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ये 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना। लिखेंगे सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट जूम 4 5 ऑफ ए नंबर लाइन बाय लेंस, उसके बाद फिर डिवाइड कर देना 10 इक्वल पार्ट्स में, जैसे कि पहले करते थे 4.1 4.2 4.3 जो कि फिगर 2 में मैं दिखाया हुआ। तो मैं पहले आपको फिगर समझा दे रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप दे दूंगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे जूम कर दिया हूँ 4 5 को, और जब जूम किया तो क्या आया देखो, जूम करके आप यहाँ जो 4 है तो यहाँ 4 ही लिखना है और ये 5 ही लिखना है। सेम टू सेम लाइन बनाना है, जैसे पहला लाइन वैसा ही दूसरा लाइन। अब क्या करना है, उसको 10 इक्वल डिवीजन में कर देना है। तो क्यों करेंगे 10 इक्वल डिवीजन में, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा याद रखना कि इसको 10 इक्वल डिवीजन में कर देना है। और आपको पता है आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 4.26 के ऊपर बार, मतलब कि मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, मतलब कि 4.2626। समझो कि क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा 4.2626 है 4 डेसिमल प्लेस तक। देखो तो 4 5 को जूम किया तो ये ना 4.1 4.2 ये 4.9 तक, फिर 5 जो है लिख दिया। अब देखो 4.2 है, 4.2 है तो, और बाद में 6 है, तो मतलब 4.2 के बाद चलना है, और 4.3 से कम, तो 4.2 से ज़्यादा और 4.3 से कम कुछ यहाँ पे आएगा। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिख के लेंस लगाओगे, और लेंस लगा के इसको जूम करके एक लाइन बना दोगे, सेम टू सेम ऐसा लाइन बना दोगे। ओके, बना दोगे, बना दिया, वेरी गुड। फिर इसको 10 भाग में बांट दोगे, जैसे कि 4.2 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 4.2 लिखा। आपको क्या करना है, 1 2 फिर से लिखना स्टार्ट करना है, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 27 28 29 एंड जो 4.3 था और यहाँ पे जो 4.3 था उसको लिख देना है। समझ आई बात। अब ध्यान दो, समझना क्या है कि हमको करना क्या है। देखो 4.26 तक कर लिए, अब फिर 4.26 के बाद भी 2 है, मतलब 4.26 से भी ज़्यादा है, ठीक ना। और तो ध्यान दो 4.26 यहाँ पे आता है, ठीक, 4.26 से ज़्यादा मतलब कि ये, और 4.27 से कम मतलब कि इसके बीच में। फिर आपको लेंस लगा लेना है, इसको जूम कर देना है। जूम करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को यहाँ भी लिखना, 4.26 और यहाँ पे 4.27 4.27, फिर 10 भाग में बांटना, हमेशा 10 पार्ट्स में बांटना रहता है, ध्यान दो। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 4.26 फिर लिखेंगे 4.261 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और फिर 4.27 लिख दिया। अब ध्यान दो हमको करना क्या है, 4.262 हो गया 2, अब कहाँ है देखो, 2 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है 4.262। जहां भी आपको पहला मिल जाए ये लिखा हुआ 2 तक, उसके बाद वाला आपको जूम कर लेना है। तो 4.262 यहाँ है, इसको जूम कर लिए, वेरी नाइस। अब क्या करना है, जूम करके इसको 10 पार्ट्स बांट देना है। तो चलिए बांट दे रहे हैं, ओके बांट दिया, वेरी नाइस। इसको बांट दिया, फिर इसको बांटने के बाद 10 पार्ट में लिखना भी होता है। पहले तो जो है 4.262 लिख लो। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अब यहाँ पे आपके लिए जूम कर रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। देखो यहाँ पे 4.262 था, तो यहाँ 4.262 लिखा, और फिर जो था उसको वही रहने देना, 4.262 ही रहने दो। 1 लगाओ, फिर 2 लगाओ अंत में आके, फिर 3 लगाओ, फिर 4 लगाओ, 5 लगाओ यहाँ पे, फिर 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ, और बाकी जो था 4.263 यहाँ पे जो था उसको वही रहने देना है, ओके। समझ आ रही बात? अब ध्यान दो, हमको करना क्या था वो मैं अब जूम कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। 4.2626 को करना था, तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ मिल गया। ये है 4.2626, तो इसको आप पॉइंट पी मान लो, और यही आपका आंसर हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, करना कुछ नहीं, 1 by 1 चलना है। शुरू में 4 लिखना था, तो 4 से 5 वाला को जूम करेंगे, फिर 4.2 लेना है एक बार, तो 4.2 वाला को जूम करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे, फिर 0.6 है, 4.26 है, 4.26 वाला को जूम करेंगे, फिर 0.262 है तो उसके वाला को जूम करेंगे, ठीक। और लास्ट में जो है वो यहाँ मिल गया। तो चलिए आगे यही 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। समझ आ रही बात को? यहाँ पे गलती से 1 में लिख दिया, तो इसे आप 2 कर दे, कंफ्यूज ना हो, ओके। छोटा मोटा गलती पे कंफ्यूज ना हो। उसी तरह यहाँ भी आप क्या कर ले, 2 कर लीजिएगा। देखो ये सब स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेप 3 स्टेप 4, सेम टू सेम चीज करना है। आपको याद भी हो गया होगा, बस एक चीज ये कर लेना, लेट पीच कर इतना 4 डेसिमल प्लेस है तो इतना कर दोगे, उसके बाद सब चीज वही है कि ये लाइज बिटवीन 4 and 5, जूम करना है 4-5 को, लेंस लगा के 10 भाग बांटना, इक्वल डिवीजन में, सेम टू सेम चीज है। कर लोगे, वेरी नाइस, कर लोगे। जब तक हम अंतिम डिजिट तक 6 तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये काम करना है। देखो यहाँ पर आ गए, और अंतिम में हमको 4.2626 मिल गया। और याद रखना, डॉट 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 आप अपने मन से कभी भी लिख सकते हैं, एक दो दिखाना है, सब लिखना जरूरी नहीं है। और ये अंतिम में लिख देना, फिगर ये 4 में है, ठीक, समझ गया, ओके। एक बार फिगर मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ओके। ये रहा आपका फिगर, समझ आ गई। और इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस, ओके। एंड आपके लिए मैं RS अग्रवाल का सभी सॉल्यूशन अवेलेबल कराया हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप अपने अनुसार विजिट करें। क्लास 9 का प्लेलिस्ट, अगर आप क्लास 10th में आपका कोई पढ़ता है क्लास में, तो उसे भी आप कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल है सिर्फ आपके लिए। आपके लिए मैं फ्री लेक्चर लाया हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। आप जाके जरूर वॉच आउट करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हैव अ ग्रेट डे।